हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। पता नहीं तुम लोग को मालूम है कि नहीं, वन पीस का जो लाइव एक्शन सीरीज आने वाला था उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा था कि आखिर वो किस प्रकार का हो सकता है, पर क्या करें यार, उस पर आ गया कॉपीराइट क्लेम, तो इस वजह से उसको प्राइवेट करना पड़ गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कल नेटफ्लिक्स ने वन पीस के कुछ कास्ट अपने रिवील किए हैं। तो मेरे भाई, वन पीस का जो लाइव एक्शन आने वाला है उसका जो पहला जो बंदा जो कि मंकी डी लूफी का किरदार निभाएगा वो है इनाकी गोडोय। अगर मैं इसका नाम सही से नहीं ले रहा हूँ तो माफ कर देना। ये बंदा निभाएगा अपना मंकी डी लूफी का किरदार, और ये किस प्रकार का बनेगा अगर मैं बात करूँ इसका चेहरा देख के तो नहीं लगता कि ये मंकी डी लूफी बन पाएगा, लेकिन देखते हैं मेकअप वगैरह करके किस प्रकार से ये बंदा एक्टिंग करता है। लेकिन अगर वन पीस में किसी का एक्टिंग करना सबसे ज्यादा मुश्किल है तो वो है अपना मंकी डी लूफी का, क्योंकि यार वो हंसता खेलते बेवकूफ सा कैरेक्टर दिखाता हमें, लेकिन वो एक कैप्टन भी है, और इसी वजह से यार स्टार्टिंग में उसका एक्टिंग करना सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला मुझे क्यों लग रहा है। पर खैर अब चुना है तो सही है चुना होगा, क्योंकि उसका जो डायरेक्टर है वो खुद एक वन पीस का फैन है। नेक्स्ट जो बंदा आने वाला जो कि अपना जोरो का किरदार निभाएगा वो है मैकेन्यू। अगर मैं इसका नाम सही से नहीं ले रहा हूं तो माफ कर देना, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, मैंने इसके कुछ पिक्चर्स देख रखे हैं जैसे कि रूरोनी केंशिन और पैसिफिक रिम। रूरोनी केंशिन एक एनिमे की लाइव एक्शन एडेप्टेशन वाली मूवी है और इसके करीब 4 पार्ट्स आ चुके हैं। मैंने 4 पार्ट्स देखे हैं और सही बता रहा हूँ, ये बंदे ने अच्छा एक्टिंग किया था, बुरा नहीं किया था, और प्लस इसमें ओवर एक्टिंग जैसा कुछ नहीं था उस लाइव एक्शन में, और वही इकलौती एनिमे की लाइव एक्शन सीरीज है जो मुझे पसंद आई थी। और जो लोग सामुराई एक्स आई मीन रूरोनी केंशिन एनिमे के फैंस हैं उन लोगों को तो पता होगा कि वो एनिमे किस प्रकार का है, पर मैं यहाँ पर उस एनिमे का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसके एक्टिंग की बात करूँ तो उस बंदे ने यहाँ पर तो केंशिन का किरदार बहुत अच्छे से निभाया था, लेकिन अगर मैं बात करूँ इस बंदे की जो मैकेन्यू है ये जोरो का किरदार किस तरह से निभा पाएगा, मेरे को लग रहा है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अपना जो जोरो है ये बंदा एक टाइम पे गुस्सा रहता है, एक टाइम पे सोता रहता है, जब भी सिप में रहता है वो सोता रहता है, लेकिन जब वक्त आता भाई बैडस हो जाता है। बीच बीच में तुमको कॉमेडी भी करनी है, प्लस तुमको भटकती है आत्मा बनना है, फोर्थ तुमको सख्त लौंडा बन के घूमना है, और पांचवा तुमको शराब से बहुत ज्यादा प्यार करना है, और सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट भाई फाइट के टाइम पे 3 sword style यूज करना है। भाई वो एनिमे में तो अच्छा लगता है 3 तलवार चलाते देख, लेकिन यार वही टू रियल लाइफ में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। पर देखते हैं इस बंदे को अब लिया है तो किस प्रकार से ये फाइट करता है, और देखने में मस्त लगेगा मेरे को लग रहा है। और मुझे मंकी डी लूफी को लेकर के थोड़ा बहुत शिकायत था, बट इस कैरेक्टर को लेकर के मुझे शिकायत नहीं लग रहा, बस इसको प्रॉब्लम आने वाली, आई होप कि ये अच्छे से एक्टिंग करे, कचरा ना कर दे। खैर जो नेक्स्ट कैरेक्टर जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लिया है यार, अपना नाम ही के लिए, एमिली रूड। और मैं सही बता रहा हूँ, इसका मैंने कोई पिक्चर नहीं देखा है, मैंने सर्च करके देखा। प्लस मैं यहाँ पर एक और चीज कहना चाहूंगा, तुम लोगों ने अगर इसकी पिक्चर देखी है तुम लोगों को कैसे लगता है तुम लोग जरा बताओ एमिली रूड की। साथ ही मैं गूगल में सर्च करके नहीं बताने वाला, क्योंकि यार जब मैंने देखा ही नहीं है तो मैं क्यों बताऊं, तुम लोग सर्च करके देख सकते हो, अगर तुमने इनमें से किसी को देखा है तुमको इसके एक्टिंग का पता चल जाएगा। अगर मैं बात करूं नामी के किरदार के लिए, शक्ल से ही बहुत मस्त लग रहा, क्यूट है यार, नामी भी क्यूट है। बहन के लोड़े ऊपर को ले जाइए, सच्चाई निकले जा रही है मुझसे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर आने वाला वो है अपना उसॉप का, और उसॉप के लिए चुना गया है जैकब रोमिरो गिब्सन। इतना लंबा चौड़ा नाम, आई होप कि इसका नाक भी लंबा हो और ये भी लंबी लंबी फेंके जैसे उसॉप फेंकता है, और फट्टू का किरदार निभा पाएगा कि नहीं देखते हैं किस तरह से वो डरपोक की तरह एक्टिंग करता है, लेकिन आई होप ये ओवर एक्टिंग ना करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, ये जो बंदा है ये उसॉप के किरदार के लिए बढ़िया दिख रहा है कि नहीं, ये मतलब उसॉप की तरह लग रहा है कि नहीं शक्ल से। बंदा तो सही चुना इन लोगों ने, अब देखते हैं किस तरह से ये बंदा किरदार निभाता, मैं वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो कैरेक्टर आने वाला है वो कोई और नहीं, अपना सांजी ब्लैक लेग सांजी, जिसके बहुत सारे फैन है, और ये बंदा है टेज स्काइलर, और मैं नाम इसका भी सही से नहीं ले रहा हूँ, मुझे मालूम है। और मुझे जहाँ तक लगता है इसका शकल देख करके बहुत लोग बोलेंगे अबे इसको तो एनेरू बनाना चाहिए, तो इसको कहाँ ले आया सांजी के किरदार के लिए। देखो मेरे भाई, इसका बाल सब छोटा छोटा दिखाया गया इस पिक्चर में, तो इसका मतलब थोड़ी है कि ये बंदा सांजी नहीं बन सकता, हमें उसके एक्टिंग पे भरोसा करना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये सही से एक्टिंग करेगा, लेकिन मैं थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा हूँ। और सही बता रहा हूँ तो इसका जब बाल लंबा रहता तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता था, मैं अंदाजा लगा सकता था कि ये बंदा सांजी के किरदार में कैसा लगेगा, क्योंकि
तुम लोग अच्छे से जानते हो सांजी पूरे क्रू में स्ट्रॉ हैट पायरेट में सबसे हैंडसम यही लगता है देखने में। हाँ वो बात अलग है कि एक नंबर का लॉन्डिया बाजा नामी के पीछे पड़ा रहता है, रॉबिन के पीछे पड़ा रहता है, बट सांजी का जो किरदार है वो बहुत मस्त होता है और ये बंदा किस तरह से निभाता है मैं वेट कर रहा हूँ। सेकेंड चीज ये कि इसको जोरो के साथ राइवलरी दिखानी है, दोनों की आपस में बनती नहीं उस तरह से दिखाना है। अब ये दोनों किस तरह से एक दूसरे के साथ राइवलरी दिखाते मैं वेट कर रहा हूँ, ये लोग किस तरह से एक्टिंग करते हैं। खैर इन सब के बारे में तो मैंने बात कर लिया, अब मैं अपने हिसाब से बताता हूँ कि इन पांचों को देख करके मेरा क्या ओपिनियन है कि कास्ट किस तरह से चुना है। तो मेरे हिसाब से इन लोगों ने बहुत अच्छा नहीं चुना है, लेकिन बुरा भी नहीं चुना है, क्योंकि मुझे तीन कैरेक्टर सही लगे, पांच में से तीन कैरेक्टर में मतलब पूरा भरोसा है कि ये लोगों ने सही चुना है। यहाँ पर एक और चीज कहना चाहूंगा, जो लोग एनिमे को जापानीज वॉइस में देखते हैं, खासकर मैं भी देखता हूँ, सभी देखते हैं ज्यादातर लौंडे, लेकिन जो लोग इंग्लिश डब में देखते हैं उनको ये लाइव एक्शन ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि वो लोग पहले से इंग्लिश डब देख 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 के बड़े हुए हैं। मैं आशा करूंगा कि जब इसका लाइव एक्शन सीरीज आएगा तो इसको हिंदी डब में भी किया जाए, अगर ये चीज हिंदी डब में होता है। और ये भाई निकल गई फाड़ू, मुझे मालूम है कि एनिमे और मांगा जितनी तो अच्छी नहीं निकलेगी, लेकिन अगर उनसे थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाती है ना, डेथ नोट की तरह बर्बाद ना कर दे, मैं बस इतना चाहता हूँ। और ये चीज अगर अच्छी निकल गई भाई, तुम अच्छे से जानते हो इंडिया में वन पीस फेमस हो जाएगा, हर दूसरा बंदा इसको रिव्यू करेगा, और जिस तरह से ओडा ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, प्लस इसका जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है वो खुद वन पीस के बहुत बड़े फैन है। ऊपर से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वन पीस के बहुत बड़े फैन है, तो मैं एक ही चीज चाहूंगा कि इन लॉन्डो को जो भी कास्ट चुना है, अगर इन लोगों ने वन पीस नहीं देखा तो पहले इन लोगों को दिखाओ कि जाके देख बे वन पीस, फिर उसके बाद आके एक्टिंग करना, क्योंकि यार उनको इनके किरदार निभाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। ऊपर से यार मैं चाहता हूँ कि विलन्स को और तगड़े बनाया जाए, एनिमे में तो कचरा हो गया था, क्योंकि यार स्टार्टिंग के एपिसोड बहुत घटिया एनिमेट किए गए हैं। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो अपना कैप्टन कुरो है उसको और थोड़ा बैडस दिखाए, और ज्यादा खतरनाक दिखाए लाइव एक्शन सीरीज में, तो ज्यादा मस्त लगेगा। खैर मेरे भाई ये था मेरा अपना ओपिनियन, अब तुम लोग का क्या मानना है तुम लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम लोग को ये लाइव एक्शन से कितना ज्यादा उम्मीद है। मेरे को लगता है कि लाइव एक्शन ठीक ठाक निकलेगा, मतलब एनिमे और मांगा जितना तो मास्टरपीस नहीं निकलेगा, लेकिन ठीक ठाक भी अगर निकल गया ना बहुत अच्छा रहेगा। ऊपर से ओडा भी ध्यान दे रहा, तो हो सकता है ये अच्छा ही बन जाए। मैं चाहता हूँ ये अच्छा बने और हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स में आए, और तुम लोग सब जब आएगा ना सभी को यार नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेकर नेटफ्लिक्स में ही वॉच करना, ताकि यार उन लोग को पता चले कि इंडिया में वन पीस का ऑडियंस है। खैर वो जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी तो है लगभग एक साल लगे जाएगा, एक डेढ़ साल, बट फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन ऑन करो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, और साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।